अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडों का बादामी कोरमा, जिसे शाही कोरमा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, चिकन कोरमा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही लजीज बनेगा और बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट इसमें हम यूज़ करेंगे। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसको मैंने पंच कर लिया है और अपने फोक की मदद से इसको अच्छी तरह से पंच कर लेना है, सुराख कर लेने हैं अंदर, ताकि जो भी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे वो अच्छी तरह से अंदर चले जाएं। जब मैंने अंडे बॉईल किए थे तो उस दौरान मैंने नमक ऐड कर दिया था तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और अब मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी, जस्ट इसमें डालूँगी मैं हल्दी। यहाँ पर मैंने हल्दी ली है तकरीबन 2 पिंचेस और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है सुर्ख मिर्च, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग अच्छी तरह से कर देने के बाद हमने मसाला बनाना है। कोरमे की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर प्याज। यहाँ पर प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद और उनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, सेम इसी तरह आप कर लीजिए। और ये बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, फटाफट से रेडी कर लीजिए। कोई भी सालन बनाना हो तो फटाफट से रेडी हो जाता है। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा दही। यहाँ पर दही लिया है मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून और टमाटर लिए हैं 2 अदद और उनको कट कर लिया है। और इन तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे ब्लेंड, अच्छी तरह से स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब हमने स्टार्ट करनी है इसकी कुकिंग। सबसे पहले एक खाली पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 तेज़पात और इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी 3 सब्ज़ इलायचियाँ और इनको थोड़ा सा गर्म करेंगे। जैसे ही ये गर्म होंगे उसके बाद हमने पेस्ट ऐड करनी है जो ब्लेंड करके रखी हुई थी। अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, बहुत लजीज कोरमा बनेगा। जिस तरह कोरमा हम चिकन का खाते हैं और ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, सेम इसी तरह की खुशबू इसमें भी आएगी। अच्छी तरह से ये गर्म हो चुके हैं, अब हमने इसमें पेस्ट ऐड कर देनी है। ब्राउन प्याज किए हुए थे, दही थी और टमाटर था, तीनों का मैंने पेस्ट कर लिया है, अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और इसको ऐड कर लेंगे। अब इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई कर लेंगे उतना ज़बरदस्त हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा। इसकी स्मेल हमने ख़त्म करनी है और अच्छी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म करने के बाद हमने इसको रेडी करना है। बादामी कोरमा हम बना रहे हैं तो उसके लिए बादाम भी चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून बादाम लिए थे और उनको गर्म पानी में भिगो लिया था, उसका छिलका उतार लिया है और इसका बना लेना है हमने पेस्ट। मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह का पेस्ट बनाना है। देखिए, इसमें थोड़े थोड़े बादाम जो हैं वो साबुत में हैं और थोड़े थोड़े हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसके मिक्सचर बना लिया है, सेम इसी तरह का हमें चाहिए बैटर। जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट होगा उसके बाद हमने इसमें वही बैटर डाल देना है बादाम वाला। इसकी कुकिंग अच्छी तरह से जितनी होगी, जितनी अच्छी भुनाई होगी, उतना ही ज़बरदस्त हमारा कोरमा रेडी होगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वही पेस्ट जो मैंने बना कर रखा था बादाम का। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। आप देख सकते हैं कि थोड़े से बादाम इसमें साबुत भी हैं जो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। बादाम अच्छी तरह से भीगे हुए होने चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक थोड़ा कम ऐड करेंगे क्योंकि बॉईल करते हुए भी हमने अंडों में डाला था नमक। हल्दी ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चिली पाउडर। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार कोरमा आप जल्दी से बना सकते हैं। अब जितने भी हमने स्पाइसेस डाले हैं उसको अच्छी तरह से कुक करना है, उनकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब हमने एग्स ऐड कर देने हैं जिन पर मसाला लगा कर रखा था, अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। जितना अच्छा हम भुनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इस सालन को रोटी के साथ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है खाने में, इसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग होगा। इसमें मैंने ऐड कर दी है हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं
और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद 2 से 3 दफ़ा चम्मच चलाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड इसलिए करेंगे कि मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए और जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर दीजिए। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है और अब मैं इसे कवर कर दूंगी और कुक होने देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे, बहुत परफेक्ट हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। दस मिनट के लिए इसको मैंने कुक करने के लिए रख दिया था और देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी रेडी हुई है। अभी मैंने फ्लेम को बंद नहीं किया, यहाँ पर इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। ऊपर से मैंने इसके डाल दिया है गरम मसाला, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी गरम मसाला ऐड करने के बाद और देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। अभी लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल और ऊपर आ जाए। मैंने मसाले को थोड़ा सा और ड्राई कर लिया था, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सा हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तंदूरी रोटी के साथ बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। समटाइम्स इस तरह होता है कि हमें समझ नहीं आती कि आज क्या पकाया जाए, तो ये बहुत अच्छा एडिशन है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी बहुत जल्दी बन जाने वाली है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, जब भी आप इसे बनाएंगे सबको बहुत पसंद आएगी। ऊपर से मैंने डाल दी है इस पर कटी हुई हरी मिर्च, अगर आपके पास अदरक है या फिर आप हरा धनिया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है सब कुछ, क्योंकि गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी बादाम, बादाम मैंने जो बॉयल करके रखे हुए थे उससे आप थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लीजिए, प्रेजेंटेशन कर लीजिए, बहुत ही परफेक्ट हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।